हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम राजस्थान की भाषा बोली एवं साहित्य से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 73 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी राजस्थान पीटीआई ग्रेड थर्ड के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग अभी तक इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, वो सभी वीडियोज का लिंक आप लोग 9621819209 पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हो। सभी वीडियोस को आप लोग एक से दो बार अवश्य देखिएगा, जिससे एग्जाम्स में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया, कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, बताइएगा। टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुवलय माला से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, मरुभाषा के लिए सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया था, डी ऑप्शन बी वासी, दोनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के विकास के विभिन्न चरणों के युग्म को सुमेलित कीजिएगा, सुमेलित कर दीजिएगा। थर्ड का आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर बिल्कुल आना चाहिए ए ऑप्शन सेकंड से, गुर्जर अपभ्रंश 11 से 13वीं सदी, जबकि बी जो दिया हुआ है फर्स्ट 13 से 16वीं सदी से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, कौन से काल को कहा जाता है, 1660 1850 को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मूलतः मानी जाती है, बताइएगा, सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित मतों को सुमेलित कीजिएगा, यहाँ पे सुमेलित कर दीजिएगा। इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सुमेलित से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, उसके बाद आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। सी ऑप्शन है, सी उत्तर इसका राइट आंसर, सौर सैनी अपभ्रंश से कौन रिलेट कर जाएगा, यहाँ पे डॉक्टर एलपी टैसी टोरी रिलेट करेंगे। नागर अपभ्रंश से कौन रिलेट करेगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन पुरुषोत्तम मीनारिया रिलेट कर जाएंगे, जबकि गुर्जरी अपभ्रंश से मोतीलाल मीनारिया के एम मुंशी, जबकि डी ऑप्शन है सौराष्ट्री अपभ्रंश से जो है सुनीति कुमार चटर्जी जी मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, राइटर कौन है, 7 नंबर में बता दीजिएगा, ए ऑप्शन जॉर्ज गियर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान में प्रचलित विभिन्न भाषाओं के समूह के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया, तो 8 का राजस्थानी हो जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा की लगभग कितनी बोलियां हैं, तो इसमें कितनी बोलियां हैं, 73। नेक्स्ट, राजस्थान भाषा की डिंगल शैली का सर्वप्रथम उपयोग किस ग्रंथ में किया गया, 10th का ए ऑप्शन पिंगल शिरोमणि से रिलेटेड है। पिंगल शैली के बारे में गलत कथन बता दीजिएगा, यहाँ पे 11th में हो जाता है, डी पृथ्वीराज रासो ढोला मारो रा दोहा राव चैतरी रो छंद इस शैली में रचित प्रमुख ग्रंथ है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ पिंगल नामक साहित्य शैली में रचित नहीं है, तो इसमें राजरूपक पश्चिमी राजस्थान राजस्थानी मारवाड़ी भाषा का विकास मुख्यतः किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो 13th हो जाएगा, गुर्जरी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी बोली से संबंधित गलत कथन है, तो मारवाड़ी बोली से रिलेटेड कौन सा गलत, मारवाड़ी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ी बोली की उप बोली नहीं है, 15th कौन सी नहीं, ढूंढाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी की सबसे प्रमुख उप बोली कौन सी, तो इसमें कौन सी है, तो डी ऑप्शन मेवाड़ी हो जाएगा, युग्म को सुमेलित कीजिएगा। 17th, बागड़ी किससे रिलेटेड है, ये डूंगरपुर से रिलेटेड है। ताड़ी किससे रिलेटेड है, आपका बाड़मेर से रिलेटेड है। गौड़वाड़ी किससे रिलेटेड है, आपका डी से रिलेटेड, यानी जालौर से रिलेटेड है, आपकी स्क्रीन पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18th का, वह कौन सी बोली है जिस पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, कौन सी बोली है जिस पर सर्वाधिक बागड़ी भाषा है। नेक्स्ट है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है, 19th बागड़ी से रिलेटेड है, सुमेलित कीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, बोली और जिला, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जगरौती किससे संबंधित है, बिल्कुल ए ऑप्शन 4321 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावड़ी नामक बोली किस जिले में बोली जाती है, कौन से जिले में बोली जाती है, 21 उदयपुर में बोली जाती है। कौन सी बोली राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर बोली जाती है, 22 सी ऑप्शन मारवाड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म को सुमेलित कर दीजिएगा, यहाँ पे बोली और उपबोली दी हुई है, 23 में आंसर हो जाता है कौन सा, ए ऑप्शन 3142 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली ढूंढाड़ी है। निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उप बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? सी ऑप्शन बागड़ी नहीं है। निम्न में से युग्म को सुमेलित कीजिएगा। 26 उप बोली और क्षेत्र डी ऑप्शन 3412 तेरावाटी आपका दक्षिणी जयपुर धौलपुर से रिलेट कर जाएगा क्या? बिल्कुल कोठड़ी रिलेट करेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए जो है सीकर झुंझुनू उत्तरी जयपुर तोरावाटी जो है ये 3 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत युग्म को पहचानना है। 27 सी ऑप्शन मेवाड़ी कोटा 12 से रिलेटेड है। वर्तनी की दृष्टि से राजस्थान की कौन सी बोली सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है? तो ये हाड़ौती होगी। अलवर भरतपुर में मुख्यतः बोली जाने वाली मेवाती बोली पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? ब्रजभाषा। युग्म को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे 4321 से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवी बोली की किस उपबोली को दक्षिणी राजस्थानी की कहा जाता है? बताइएगा। 31 नंबर निमाड़ी को कहा जाता है। युग्म को सुमेलित करिए। बोली और मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर यहाँ पे होना चाहिए क्या? रांगड़ी किससे रिलेट कर जाएगा? बिल्कुल आंसर आपका बी हो जाएगा। 3 से रिलेट करेगा मालवी और मारवाड़ी, जबकि अहिरवाटी किससे रिलेटेड है? मेवाती हरियाणवी। थर्टी थ्री हो जाएगा मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलवर जिले के बहरोड एवं मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? 34 नंबर डी ऑप्शन अहिरवाटी हो जाएगा। विजयदान देश के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर ए ऑप्शन एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस साहित्यकार को 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? 36 डी हो जाएगा रांगे राघव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन युग्म को सुमेलित कीजिएगा। 37 सी ऑप्शन से रिलेट कर जाता है क्या? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 विरुद्ध छतहरी किरतार बावनो मानसिंह जी रा झूलड़ा नामक रचनाएं किसकी हैं? 38 ये दुर्सा आढ़ा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्म को छांट कर बताना। 39 यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? बादली चंद्र प्रकाश देवल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 41 बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा। असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 42 सी ऑप्शन कन्हैया लाल सेठिया लील टांस बातारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंझली रात मूमल बांधो भारमली टावरा री बात आदि रचना किस साहित्यकार ने की? 43 ए ऑप्शन लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत से रिलेटेड है। कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? 44 में आंसर हो जाएगा बी द्विजेंद्र लाल राम राजस्थान का भीष्म। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत युग्म को पहचान कर बताइएगा। 45 नंबर सी ऑप्शन होगा चंद्र प्रकाश देवल से सेनाड़ी से रिलेटेड। राजस्थान में आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्यकृति कौन सी है? ए ऑप्शन है बादली चंद्र सिंह वीरकाली से रिलेटेड है। मायर रो हैलो रचना किसने लिखी है? 47 डी ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया से रिलेटेड। निम्न में असंगत युग्म पहचानिएगा यहाँ पे 48 नंबर में असंगत हो जाएगा मेघराज मुकुल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्वतंत्रोत्तर काल का प्रथम राजस्थानी उपन्यास है। 49 डी ऑप्शन है आभा पटाकी से रिलेटेड। निम्न से सुमेलित नहीं है। 50 नंबर किससे रिलेटेड नहीं है? बी ऑप्शन से सोमनाथ सुजान चरित्र रिलेटेड नहीं है। राजस्थानी भाषा में रचित प्रथम कहानी है तो ये कौन सी कहानी हो जाएगी? विश्रांत प्रवास से रिलेटेड। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है तो ये किससे रिलेटेड है? बी ऑप्शन केसर बिलास शिवचंद्र भरातिया से रिलेटेड। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा? 53 ए ऑप्शन कनक सुंदर शिवचंद्र भरातिया है। राजस्थान में वचनिका शैली में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। 54 में अचल दास खींचीरी वचनिका शिवदास गाड़ा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीनतम रचना है किससे रिलेट कर जाएगी? बी ऑप्शन भरतेश्वर बाहुबली घोर से रिलेटेड है। कौन सा कूट सुमेलित है? 56 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। सी ऑप्शन से रिलेट करेगा राधा बल्लभ मंडन से रिलेटेड। सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसने की है? 57 सी दादू दयाल ने की है।
स्वंतोलिखित राजस्थानी भाषा की पहली रचना है 58 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन भरत, बाहुबली, राज से रिलेटेड है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी पुस्तकों एवं रचनाकर्ताओं के युग को सुमेलित कीजिएगा, 59 सुमेलित कर दीजिएगा इसका आंसर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 59 यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तिड़ो राव अलेखो हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की है? 60 नंबर बी ऑप्शन विजय दान देथा ने की है, रंगीलो मारवाड़, ढोला मरवूड़, रामू चंद्रा नामक कृतियों की रचना किसने की? 61 ये बी ऑप्शन भरत व्यास ने की है, सांझ ओल्यू दुर्गादास परमवीर मीरा नामक कविता संग्रह की रचना किसने की? 62 सी ऑप्शन नारायण सिंह भाटी ने की है। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास ने की नहीं है? इसमें किससे रिलेटेड नहीं है? डी ऑप्शन चंद्र प्रबोध से रिलेटेड नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने किस विद्वान को राजस्थान युवा की मसाल की संज्ञा थी? 64 ए ऑप्शन सीतादास लालस से रिलेटेड, बादली के रचना है, बादली के रचना है किससे रिलेटेड है? 65 चंद्र सिंह से रिलेटेड है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है तो किसने लिखा? 66 सी ऑप्शन रमेश चंद्र दत्त ने लिखा। निम्नांकित में से कौन वीर रस कवि है? सुभद्रा कुमारी चौहान से रिलेटेड है। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 68 हो जाता है सी ऑप्शन 1967। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत का है, क्या जगत की किसी अन्य भाषा में है या नहीं? उपर्युक्त कथन बताइए। अगर रिलेट करेगा किससे रिलेट करेगा? राम कल्पद्रुम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। 70 नंबर असाहित द्वारा रचित है। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। 71 किसे कहा जाता है? एकदम राइट आंसर आना चाहिए। 71 मारवाड़ व परगना री विगत को कहा जाता है। नेक्स्ट है 72 रूसी कथाओं में अनुवाद गजबड़ के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? 72 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को दिया गया। नेक्स्ट राव जैतसीरो छंद के रचयिता थे तो 73 बीठू सूजा जी थे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।